हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है ओनली स्टडी पर। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं तो आपको पता है 2013 का प्रीवियस ईयर चल रहा है। किसका? पारा मेडिकल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है 2013 का। यह आज हम पढ़ेंगे, इसी वीडियो में आपका हिंदी पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे और जीके पढ़ेंगे। इसी वीडियो में आपको तीनों मिलेगा। इसके अलावा इसका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायो, ये तीनों वीडियो हो चुका है। नहीं देखें तो आपको आई बटन में मिल जाएगा और मैथ का भी इसके बाद मैं ला दूंगा, ठीक है? तो आज शूट होगा मैथ का, तो देखते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं। और उसके अलावा आपको पता ही है कि 2015, 16 और 14 इसका मैं करा चुका हूँ। किसका किसका? 2016 का हुआ, 2015 का और 2014 का मैं वीडियो करा चुका हूँ प्रीवियस ईयर। इसके अलावा मैं अब शुरू करूँगा आपका 17 का, 18 का और 19 का। इस तीन ईयर का मैं कराऊँगा, यह ख़त्म हो जाएगा आपका 2013 का। तो और इसके अलावा इसमें 11, 12 और 11 भी है, 2011 और 12 का भी प्रीवियस ईयर करा दूंगा। मतलब आपका कहने का मतलब है मेरा कि 2010 से लेकर 2019 तक का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो आपको, आप देखना चाहते हैं और नए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, और अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आंसर अपना लिखते रहिए कॉपी में, कितना सही हो अपना बताइएगा, और जो क्वेश्चन पूछूंगा वो भी आपको बताना है कमेंट में। चलिए हिंदी है पहला क्वेश्चन। वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि की कृति है, मतलब ये कहानी का नाम है कविता का, यह कौन लेखक लिखे हैं यही आपको बताना है। तो ये लिखे हैं आपके सूर्यकांत त्रिपाठी। इस तरह के क्वेश्चन हिंदी में आते हैं, बुक का नाम माने ऑथर का नाम, जैसे इंग्लिश में पढ़िएगा तो उसमें भी आता है ऑथर का नाम, लेखक होता है ऑथर का हिंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है यही आपको बताना है, शुद्ध आपको चुनना है। तो ऑप्शन नंबर सी पढ़िएगा, राम और सीता वन को गए, माने आपका शुद्ध वाक्य यही है, राम और सीता वन को गए, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको पूरा दिक्कत नहीं होगा, एक टॉपिक कितना साफ सुथरा सब है। चलिए 83 नंबर, स्वर्णी यामिनी तथा रजनी शब्द किसके पर्वाची हैं, तो किसके पर्वाची हैं ये आपको बताना है। तो ये सब पर्वाची हैं आपके रात्रि के, और पर्वाची से भी क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं। तो ये रात्रि का पूछ देगा पर्वाची शब्द क्या हो जाएगा, तो ये तीन गो में से कोई एक रहे तो आपका आंसर हो जाएगा। ये तीनों दे दिया है, पूछ रहा है किसका पर्वाची है, तो ये रात का है, स्वर्यरी यामिनी और रजनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 84 के, निम्न में आदि शब्द का विलोम क्या है। आदि ना अधिकतर लिखते हैं आदि, और इंग्लिश में ETC लिखते हैं, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, विपरीत एकदम, तो हो जाएगा प्रथम, माने आदि का मतलब अंत, ठीक है, अनंत तक, तो प्रथम हो जाएगा इसका विलोम। विलोम क्या होता है, उल्टा ही ना होता है अंत का शुरू इस तरह से, तो वही होगा, आदि का भी मतलब अंत होता है, तो इसका विलोम हो जाएगा प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पढ़िए। साहित्य अकादमी अकादमी पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कितनी भारतीय भाषाओं की रचनाओं को प्रदान किया जाता है, तो कितने को प्रदान किया जाता है, तो वो किया जाता है 22 भाषा का, ठीक है, 22 भाषा संविधान में लिखित है भारत के, बाकी सब भाषाएं को मतलब संविधानिक दर्जा नहीं दिया गया है, तो टोटल 22 है, और ये आर्टिकल 243 के तहत ये सभी भाषाएं, सॉरी 243 लिख रहा हूँ, 343 के तहत, 343 के तहत आर्टिकल इतने के तहत आपका ये भाषा को, 22 भाषा को मान्यता दिया गया है भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 22, ये तो डबल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंच रत्न का समास विग्रह क्या है, पंच रत्न का समास विग्रह क्या है, तो वो है पांच रत्नों का समूह, ऑप्शन नंबर बी, पांच रत्नों का समूह को बोलते हैं पंच रत्न का समास विग्रह है, पांच रत्नों का समूह को बोलते हैं पंच रत्न, रत्न मतलब पत्थर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो विज्ञान जनता है अब के लिए शब्द
हाय, अभी शब्द किसने दिया है? जो विज्ञान जानता है, जानता सॉरी जानता है जो विज्ञान जानता है। अब यह शब्द कौन दिए थे? तो ये बोले थे आपका वैज्ञानिक के लिए है, आपका ऑप्शन नंबर ए, जो विज्ञान जानता है वैज्ञानिक। ना होता जिसे ना बोलते कि साइंस मैन है, मतलब जो जो खेल जानता है उसे खिलाड़ी बोलते हैं, तो इसी तरह जो साइंस जानता है, विज्ञान जानता है, उसे वैज्ञानिक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। सांप सूंघना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो सांप सूंघना का मतलब क्या होता है कि एकदम सहम गए, सहम जाना, ठीक है। सांप सूंघना एकदम शांत हो गए, एकदम कुछ माने अंदर हो गया है, उस तरह का ये होगा आपका। सांप सूंघना मतलब सहम जाना, मुहावरा है और हिंदी में मुहावरा पूछता ही है, तो ज़रूर पढ़िए। और हिंदी का मैं बहुत सारे वीडियो करा चुका हूँ, मैं प्लेलिस्ट जितना भी वीडियो बना है पैरामेडिकल के लिए, वो आप प्लेलिस्ट में आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर जितना भी वीडियो है पैरामेडिकल के लिए वो सारे देख जाइए। चलिए क्या है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी की सृष्टि से शुद्ध है, दृष्टि से शुद्ध है, कौन है? तो वो है मतलब सही सही कौन लिखा है यही आपको देखना है। तो वो लिखा है आपका ऑप्शन नंबर ए, मनोवांछित। मनोवांछित को इसी तरह से लिखा जाता है, बाकी सब गलती है, जितना भी मनोवांछित लिखा है सब गलती है, ये नंबर सही लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 90 हिंदी का अंतिम क्वेश्चन है, तो पढ़िए। किसने हिंदी साहित्य इतिहास की प्रतिनिधि रचना नहीं की? तो किसने नहीं की? तो वो नहीं किया आपका जयशंकर प्रसाद ने, ठीक है। जयशंकर प्रसाद ने हिंदी साहित्य इतिहास की प्रतिनिधि का रचना नहीं की है, बाकी सब हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इंग्लिश आएगा, हिंदी खत्म हो गया, देख रहे हैं, अब इंग्लिश पढ़ेंगे 10 क्वेश्चन, और इंग्लिश का भी बहुत सारा वीडियो मैं करा चुका हूँ, तो वहाँ जाकर जरूर देखिए वो प्ले लिस्ट में, और अपना इंग्लिश मजबूत करिए। अभी प्रीवियस ईयर चल रहा है, प्रीवियस ईयर ख़त्म हो जाएगा और टाइम बचेगा तो क्रैश कोर्स फिर से मैं ला दूँगा। चलिए 91 नंबर देखिए, आपको भरना है। तो क्या है, सी टोल्ड हर मदर डैट, मतलब ये नरेशन का है, अब इसी में भरना है, तो क्या भरना है यही देखिए। द सी टोल्ड हर मदर डैट सोनम डैश हर देयर द प्रीवियस डे, मतलब पहले का डे, पहले का दिन। तो इसमें क्या भरिएगा, इस तरह का होता है, तो ये जाएगा आपका हैड मेट होगा, किधर है हैड मेट, ऑप्शन नंबर सी, हैड मेट हो जाएगा आपका, आप पूरा कंफर्म आंसर आपका हैड मेट होगा। और ये नरेशन है, नरेशन का रूल जानते होंगे तो ये कर पाइएगा। ये देखिए मीट सा ये ऐसा ही नहीं होगा, वीट है ये अभी नहीं होगा, छाट सकते हैं इसमें, और मेट भी नहीं होगा, क्योंकि क्या है पास्ट इंडिफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में ले जाते हैं नरेशन में, तो यही है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो ये आइडेंटिटी द करेक्ट चूज करना है, तो क्या है, द अनरूली बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स डैश देयर टीचर, तो ये क्या होगा, तो ये होगा इंसर्ड सही आपका किधर है, इंसर्ड ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, इंसर्ड मतलब द अनरूली बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का व्यवहार जो है रूली मतलब व्यवहार गलत है, ठीक है, गलत व्यवहार इनसाइड मैं टीचर के सामने विद्यार्थी का व्यवहार एकदम खराब होता है, यही आपका आंसर हिंदी होगा। तो चलिए देखते हैं, अब जानते भी करते हैं सब लड़का टीचर के सामने एकदम भोला भाला बनता है, लेकिन जैसे नहीं रहते हैं तो अपना रूप में आ जाता है। चलिए 93 नंबर, ही वाज इन्वॉल्व डैश ए क्राइम, मतलब वह इस क्राइम में शामिल है, तो में आ रहा है, तो क्या होगा इन, मतलब वह इस क्राइम में शामिल है, इन्वॉल्व है, तो इन हो जाएगा में के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन बींग्स, ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन बींग्स कौन है? तो एक आदमी जो मानव हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ये हो जाएगा आपका कैंडिबल, ऑप्शन नंबर सी, कैंडिबल को बोलते हैं एक आदमी जो
ह्यूमन बींग्स है, मानव का खाना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। कैनिबल का पूरा हिंदी क्या होगा मुझे कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। घोस्ट का मतलब जानते हैं ना, जो आदमी खाता है ना, बोलते हैं कि घोस्ट है, घोस्ट फिल्म भी आता है, तो जो राक्षस लोग ना होता है वो खाता है मानव, तो उसे दानव ऐसे भी बोलते हैं, तो उसे घोस्ट बोलते हैं। तो उसी तरह का यह सेंस है आपका, जो आदमी खाना खाता है, ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन बींग्स, एक आदमी जो मानव को खाता है, तो उसे हम कैनिबल बोलते हैं। अब कैनिबल का हिंदी क्या होता है ये कमेंट करके बताइएगा मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गिवेन वन ऑफ द सिचुएशन करना है आपका, वन हु इज इंगेज्ड इन फाइटिंग ए बैटल और वार, मतलब हम न वन हु इज इंगेज्ड, कौन एक आदमी जो फाइटिंग ए बैटल माने किसी झगड़ा में इंगेज है, शामिल है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, जो शामिल होता है झगड़ा में, बैटल में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी विलीगेरेंट। क्या बोलते हैं, विलीगेरेंट कहते हैं जो झगड़ा में युद्ध में शामिल होता है, ठीक है, विलीगेरेंट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आइडेंटिटी द एंटो एंड साइनो करना है आपको, तो वर्डी क्या है, वर्डी है, तो वर्डी का क्या हो जाएगा सही अंटो, तो इसका सही अंटो हो जाएगा डिसेंट। डिसेंट का मतलब क्या होता है, ये उल्टा बताना है, डिसेंट का मतलब शांत आदमी, और वर्डी मतलब क्या हो जाएगा ना होता है उडंड आदमी, इस तरह से कह सकते हैं, लपड़वाह भी कह सकते हैं उडंड, तो डिसेंट माने शांत, शांत व्यक्ति, और वुडे मतलब हो जाएगा अच्छा व्यवहार ना करे, जो रूढ़ी व्यक्ति कह सकते हैं, और डर्टी माने आपको पता ही है क्या होता है, डर्टी माने गंदा, इनडिसेंट मतलब अशांत व्यक्ति, डिसेंट माने शांत, इनडिसेंट का अशांत, ये दोनों एक दूसरे के ऑनटू हो सकते हैं। इनफ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, तो इनफ्लेक्सिबल मतलब रीढ़ी हो जाएगा, मजबूत कठोर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर पढ़िए, यहाँ भी फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो बोलिए क्या हो जाएगा। We broken upon dash 14 of July, तो क्या हो जाएगा, यहाँ आपको क्या भरना है, आर्टिकल भरना है, कौन सा आर्टिकल सबसे अप्रोप्रिएट है, यही आपको देखकर चूज करना रहता है, तो इसमें हो जाएगा द, ठीक है, द का रूल पढ़े होंगे, ऐसे द का प्रयोग किसी मंथ या सप्ताह के पहले नहीं होता है, लेकिन इस तरह से पर्टिकुलर हो कि we broken upon 14 of July, हमने 14 जुलाई को ब्रोकन किया, मतलब तोड़ दिया, तो वो निश्चित कर रहा है, फिक्स कर रहा है, इसीलिए द का प्रयोग यहाँ पर ज़्यादा बेटर है, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, पढ़िए 98 नंबर क्या है, तो ये है चूज द करेक्ट वर्ड, आपको सही वर्ड चूज करना है, तो सही वर्ड है आपका ऑप्शन नंबर बी वेलेन, क्या विलेन हो जाएगा, एकदम सही लिखा है, बाकी सभी गलती है, हाँ विलेन एकदम सही है, VILLAIN विलेन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, आइडेंटिटी द करेक्ट इनकरेक्ट, मतलब एरर चूज करना है। दिस आर्टिकल इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द शॉप इन द मार्केट, माने यह आर्टिकल किसी भी शॉप में मौजूद नहीं है, तो इसमें गलती क्या किया है, तो गलती ऑप्शन नंबर सी पढ़िएगा, एनी ऑफ द शॉप, ये एकदम गलत है, एनी के चलते ही ये गलत हो रहा है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट है आपका इंग्लिश का, क्या बताना है आपको, प्लूरल बताना है। अब डर्टी आपको मैं रूल बता चुका हूँ, इंग्लिश का नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, सारे रूल बता चुका हूँ, ये अभी बता चुका हूँ इसका ड्यूटी, जब भी किसी नाउन के अंत में वाई हो और प्लूरल बनाना है, तो वाई को हटाइए और उसके जगह पर आई ई एस लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ड्यू टीच, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा ड्यूटी का प्लूरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये रूल ध्यान में जरूर रखिएगा। अब आ जाएंगे सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान 10 होगा, उसको देखते हैं,
तो क्या है, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो कौन परमादेश जारी करता है? तो वो करता है आपका ऑप्शन नंबर डी, ए सभी। मतलब संवैधानिक रूप से भी होता है, मौलिक अधिकार भी है और संवैधानिक अधिकार भी है आपका परमादेश जारी करने का उच्च न्यायालय का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इसमें है इंद्रावती जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से प्रमुख उद्देश्यीय परियोजना है, तो वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, महाराष्ट्र में है। ठीक है, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मुझे बताइएगा, हम्पी, हम्पी जो है गुफा, यह किस राज्य में है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाता है? जब गृह त्याग है तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? तो इस घटना को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं, मतलब अब सुधार होगा पूरे वर्ल्ड में, बहुत बड़ा सुधार हुआ, महाभिनिष्क्रमण हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब इसको कब बोलते हैं, धर्मचक्र परिवर्तन कब बोलते हैं, इसके बारे में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और महात्मा गांधी के जन्म होने का प्रतीक क्या है, ये कमेंट कर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश है, तो कौन है विश्व का अग्रणी देश? तो वो है आपका बी है, यूएसए है आपका। किस में? पवन ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा यूज करता है, यूएसए करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब भारत में साउथ क्षेत्र जो है, दक्षिणी भारत में सबसे ज़्यादा पवन क्षेत्र ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। देखते हैं फिल्म में जो ना होता है बड़ा बड़ा ऐसे आई 3 गो होता है टावर जैसा, ये चलते रहता है, यही से ऊर्जा उत्पन्न होता है, पवन ऊर्जा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर देख 105 देखते हैं। देखिए, किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देवभाषा आदि नामों से जाना जाता है, तो वो कौन सा है ये बताइए? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज में संस्कृत भाषा का ज़्यादा प्रचलन था उस समय। 106 नंबर देखिए, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हैं तब उनके काम कौन करेंगे? ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है, तो ये बताइएगा कौन करेंगे? तो वो करेगा भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, वह पदभार संभालते हैं राष्ट्रपति का। ठीक है, जब ये दोनों अनुपस्थित हो, आ जब राष्ट्रपति न हो और उपराष्ट्रपति हो तो उपराष्ट्रपति संभालता है, और जब उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तब आपका उच्च न्यायालय संभालता है, भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं वो संभालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 का, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? तो साइमन कमीशन भारत में आया आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1928 में साइमन कमीशन आया, और वहीं आपका विरोध में लाला लाजपत राय को लाठी लगा और 1930 में उनका मृत्यु भी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, आंसर तो मार दिया गया है लेकिन याद रखिएगा इसके लेखक कौन है आपके? तो ये महात्मा गांधी है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ट्रूथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, गीतांजलि बताइएगा, गीतांजलि के लेखक कौन है? चलिए आगे हम देखते हैं क्या है, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? तब वो कहा पाल साम्राज्य को। ठीक है, पाल शासक जो थे वो लोग को ये रुहमा कहकर पुकारा था आपका सुलेमान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतिम क्वेश्चन है, समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है, तो क्या करता है ओजोन परत में? तो वो करता है भूतल पर पराबैंगनी विकिरणपात को रोकता है, माने जो भी सूर्य की किरण से पराबैंगनी किरण आता है उसको क्या करता है? सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक
ठीक है, तो मुझे ही कमेंट करके बताइएगा कि ये जो उपग्रह है आपका, जो भी जहाज़ उड़ता है, यह किस मंडल में उड़ता है, ये कमेंट करके बताइएगा मुझे। तो चलिए, अच्छा लग रहा है तो थोड़ा लाइक किया करिए और थोड़ा शेयर करिए। आप लोग सब्सक्राइबर देख रहे हैं कि तेज़ में नहीं बढ़ रहा है, तो थोड़ा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचाइए मेरे वीडियो को, और सब्सक्राइबर करने के बोलिए, तो अपने दोस्तों के बोलिए और वो अपने दोस्तों के बोलेंगे, इस तरह से चेन बनते जाएगा और लंबा बन जाएगा। और इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। टेलीग्राम ओनली स्टडी टेलीग्राम का है, वो चैनल ज्वाइन करिएगा, वहाँ पर ये पहले वीडियो भी डल जाता है और वहाँ पर PDF भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।